हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3D फ्लिप कार्ट विद हॉवर इफेक्ट्स। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तीन इफेक्ट इसके अंदर हम बनाने वाले हैं। फर्स्ट ये आपका इफेक्ट रहेगा इस तरीके से फ्लिप पे इफेक्ट, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड इफेक्ट है, जैसे ही माउस का कर पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से एनिमेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो इफेक्ट है वो हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे HTML का फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है, साथ में ही जो अपनी CSS की फाइल है style.css उसको भी यहाँ पे लिंक कर रखा है। तो ये हमारी CSS की फाइल रहेगी, ये हमारी HTML की। तो HTML वाली फाइल के अंदर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक div लेते हैं जिसकी क्लास हम सेट कर देते हैं container और इस कंटेनर के अंदर हम लेते हैं हमारा div और उस div की हम क्लास सेट कर देंगे कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्ड क्लास सेट कर देते हैं इस डिव की और इसके अंदर हम लेते हैं हमारी इमेज। तो जो हमारी इमेज है उसका नेम है t1.jpg। ठीक है, इसको सेव करते हैं और पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो कॉपी फाइल पाथ और ब्राउजर पे आके करते हैं इसको पेस्ट और एंटर की। तो ये देखिए इमेज आपकी आ चुकी है। अब करते हैं स्टाइल। तो देखिए हमें करना क्या है, इमेज के नीचे हमें एक और डिव लेना है पहले और इस डिव की क्लास सेट कर देते हैं हम कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा कंटेंट लेने वाले हैं। कंटेंट क्या लेंगे, एक हम हेडिंग लेते हैं क्रिएटिव और इसके नीचे एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम और पैराग्राफ अपना रहेगा वेब डिजाइनर। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो इतना हमने कर लिया है, अब इसको करते हैं स्टाइल। तो आते हैं अपने style.css में और सबसे पहले करते हैं स्टार की सेटिंग। स्टार है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो इसमें हम देते हैं सबसे पहले मार्जिन 0, पैडिंग 0 और एक प्रॉपर्टी और दे देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो यहाँ पे हम दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स, सेव। और इसके बाद में अब हम करते हैं हमारे बॉडी की स्टाइलिंग। तो जो हमारी बॉडी है, बॉडी टैग है, उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे #F2F3F7। इसको करते हैं सेव और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये आपका लाइट कलर यहाँ पे आ चुका है। वापस से चलते हैं कोड में। अब हमें किसको स्टाइल करना है, जो आपका है कंटेनर। तो कंटेनर को करते हैं कॉपी और CSS में आके करते हैं पेस्ट। क्लास है इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके विड्थ सेट कर देते हैं यहाँ पे हम 90% और इसको मार्जिन दे देते हैं हम ऑटो। अब इसको हाइट भी दे देते हैं यहाँ पे, तो मिनिमम हाइट दे देते हैं 100 VH और इसके बाद में इसमें फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम इसको हम दे देते हैं सेंटर। इतना हमने कर लिया, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए इमेज आपके सेंटर में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एज इट इज इसको करते हैं हम कॉपी HTML में आके कार्ड को और इसके बाद में हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और एक बार और पेस्ट। अब क्या करते हैं, जो इमेज है उनको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे T2 कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं T4, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। ये देखिए तीनों इमेज हमारी सेट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, देखिए जो आपका कार्ड है उसको डिजाइन करना है। कार्ड को डिजाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर 3D प्रॉपर्टी है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो वो क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें ऐड करना है ट्रांसफॉर्म स्टाइल, तो इसको देते हैं हम प्रिजर्व 3D और एक और है आपकी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, उसको दे देते हैं सेंटर और एक पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव इसका सेट कर देते हैं
2000 पिक्सल ये 3D इफेक्ट बनाने के लिए यूज में ली जाती है। अब करते हैं हमारा जो कार्ड है उसको स्टाइल, तो जो क्लास आपकी कार्ड है उसको करते हैं कॉपी और डॉट के साथ करते हैं पेस्ट। अब करते हैं इसको स्टाइल, तो स्टाइल में सबसे पहले क्या करेंगे हम, कार्ड का जो फ्लेक्स बेसिस है यानी जिसकी जो वेट है उसको सेट कर देते हैं 20%। और इसके बाद में अब क्या करते हैं, कार्ड के अंदर जो आपकी इमेज है उसको भी सेट कर देते हैं। उसको क्या सेट करते हैं, उसकी जो वेट है वो हो जाए आपकी क्या 100%, यानी जितना आपके कार्ड की वेट है उतनी ही आपकी इमेज उसमें सेट हो जाए। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, तो देखिए आपकी इमेज सेट हो चुकी है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो कार्ड के ऊपर हम थोड़ा सा लगा देते हैं इफेक्ट। इफेक्ट में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे पहले इसके अंदर बॉर्डर, तो शेडो, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो इसके अंदर हम लगा देते हैं 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, 10 पिक्सल का ब्लर और कलर उसका हो जाए ग्रे। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश, तो थोड़ी सी शेडो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है साइड में। अब हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है, तो रोटेट कैसे करते हैं देखिए, इसके अंदर हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म और इसको कर देते हैं हम रोटेट। रोटेट एक्स कितना करते हैं, इसको करते हैं हम 60 डिग्री। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए 60 डिग्री आपका रोटेट हो चुका है। अब हमें किसको स्टाइल करना है, जो आपका कंटेंट है उसको भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। तो जो आपका कंटेंट है देखिए, इसको करते हैं कॉपी क्लास को और इधर आके करते हैं पेस्ट। तो जो आपका कंटेंट है उसको करते हैं स्टाइल, क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं पैडिंग टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। सेव करते हैं और इसका कलर दे देते हैं आपका बैकग्राउंड कलर, इसको हम दे देते हैं वाइट और जो टेक्स्ट का कलर है वो आपका हो जाए ब्लैक। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखिए कार्ड आपका बन चुका है। अब इसको हमें होवर इफेक्ट देना है, तो होवर इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर एक एक क्लास और ऐड कर देते हैं। देखिए जो आपका कार्ड है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कार्ड 1, सेकंड जो कार्ड है उसके अंदर मैं एक और क्लास ऐड कर देता हूँ कार्ड 2, और थर्ड वाले के अंदर ऐड कर देते हैं कार्ड 3, ठीक है, क्योंकि तीनों पे हमें अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं कार्ड 1 पे, तो क्या करते हैं, जो क्लास है आपकी क्या कार्ड 1, उसके होवर पे हमें सेट करना है, क्या करना है देखिए, जो होवर इफेक्ट है वो ऐड करना है। तो उसमें हमें क्या करना है, जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो जो रोटेट है, रोटेट एक्स है, उसको क्या कर देंगे 0 डिग्री, जिसको हमने पहले सेट किया था कितना 60 डिग्री, और साथ में ही इसको हम ऐड कर देते हैं क्या ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट जेड इसको हम दे देते हैं यहाँ पे 300 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए जो आपका कार्ड फर्स्ट है उस पर इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ओके HTML वाली फाइल को सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए ये इफेक्ट वो ऐड हो चुका है लेकिन काफी फास्ट हो रहा है, तो इसके अंदर हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। तो जहां पे हमने कार्ड बनाया है उस कार्ड के अंदर हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे देखिए ट्रांजिशन, और इसमें हम दे देते हैं किस पे लगाना है ट्रांजिशन, हमें ट्रांसफॉर्म पे, तो ट्रांसफॉर्म फॉर्म पे हमें ट्रांजिशन लगाना है, कितने का 1 सेकेंड का। सेव करते हैं और रिफ्रेश, ओके देखिए ये आपका एनिमेशन इस पे अप्लाई हो चुका है। अब हमें सेकेंड कार्ड और थर्ड कार्ड बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, जस्ट इस वाले को करते हैं हम कॉपी, फर्स्ट वाले होवर को, और इसके नीचे कर देते हैं हम पेस्ट, तो ये देखिए यहाँ मैं कर दूंगा इसको पेस्ट और वापस से पेस्ट, कार्ड 1 की जगह कर देते हैं इस बार कार्ड 2 और नीचे वाले में कर देते हैं कार्ड 3। तो जो सेकंड वाला एनिमेशन था उसमें हमें क्या करना है, देखिए रोटेट एक्स के आगे हम लिख देते हैं क्या रोटेट वाई,
तो रोटेट जो आपका वाई है उसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, सेव ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो अब देखिए जो सेकंड वाला है वो भी वाई से 360 डिग्री एनिमेट हो रहा है, तो होवर इफेक्ट सेकंड पे भी अप्लाई कर दिया। अब थर्ड वाला है उस पर हमें होवर इफेक्ट ऐड करना है, तो वो थर्ड वाले पे देखिए हमें क्या ऐड करना है। जो थर्ड वाला है उसके अंदर हमें देना है क्या, हमें इसके अंदर ऐड कर देना है बस जो रोटेट एक्स है उसको 360 डिग्री। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए जो थर्ड वाला है वो भी एनिमेट हो रहा है, सेकंड वाला एनिमेट हो रहा है और फर्स्ट वाला भी एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना जो भी एनिमेशन था ओवर इफेक्ट्स था वो कंप्लीट कर लिया है।